शाहरुख खान को बॉलीवुड का किंग कहा जाता है या फिर अनफॉर्चुनेटली कहा जाता है बिकॉज ही सीम टू बी पास्ट हिज प्राइम, बट स्टिल हम ये कह सकते हैं कि उनकी इस जर्नी ने हमें काफी इंस्पिरेशनल स्टोरीज दी हैं टू लर्न एंड इम्प्लीमेंट इन आवर लाइफ। दिस वीडियो इज नॉट अबाउट शाहरुख खान द पर्सन बट रैदर हिज परसोना, एक ऐसा परसोना जिसने मुझे पर्सनली काफी इन्फ्लुएंस किया है। इट इज अबाउट नन अदर देन डॉक्टर जहांगीर खान फ्रॉम डियर जिंदगी। और इस मूवी की खासियत यह है ना, क्योंकि इस मूवी में शाहरुख खान ने अपना चॉकलेटी बॉय वाला परसोना छोड़ के एक मेंटर की भूमिका निभाई है, एंड दैट इज वाई दिस वीडियो मेड 103% प्रॉफिट देन इट्स इनिशियल बजट। बट ये वीडियो उस बारे में तो है नहीं कि कैसे शाहरुख खान को अपने फॉल से राइज होना चाहिए, बिकॉज डेफिनेटली ही इज मच स्मार्टर टू रूल इंडस्ट्री फॉर 25 years, बट दिस वीडियो विल गिव यू ग्लिम्प्स फॉर योर प्रिपरेशन ऑफ एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, बी इट JEE UPSC एंड अदर देन दैट एनीथिंग एल्स, बिकॉज दिस लेसन्स आर नॉट जस्ट एप्लीकेबल टू आर प्रोफेशनल लाइफ बट यू कैन टेक देम अवे एट एवरी पॉइंट। तो स्टार्ट करते हैं एक बहुत अंडररेटेड एडवाइस से। इसे ना लोग मुंह पे सीधा नहीं बोलते, बात बहुत करते हैं इसके बारे में बट सीधा छुपा के। सो आई विल टेल यू स्ट्रेट टू द पॉइंट दैट इफ यू आर फीलिंग एनी काइंड ऑफ डिस्ट्रेस और समथिंग, यू शुड सीक प्रोफेशनल मेडिकल हेल्प। और प्रोफेशनल मेडिकल हेल्प सीधा इसलिए नहीं बोलते बिकॉज वेन एवर आई हियर पीपल टॉकिंग अबाउट सीकिंग हेल्प तो वो सुजेस्ट करते हैं गो टू फ्रेंड्स एंड फैमिली विद होम यू कैन टॉक, बट दैट फील्स काइंड ऑफ फिशी क्योंकि ऐसी कई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जिसका बोल के आपको लगता है कि सोल्यूशन निकल जाता है, बट डेफिनेटली देयर कैन बी अ बिगर आइसबर्ग लाइंग देयर जिसको सिर्फ एक प्रोफेशनल मेडिकल हेल्प ही देख सकता है। एंड डेफिनेटली जब आप इतने एक्सटेंसिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो इट गेट्स मेंटली एग्जॉस्टिंग, इसलिए आपको कोई काउंसलिंग लेनी चाहिए या फिर यू शुड टॉक टू अ प्रोफेशनल अबाउट दैट सेम इफ यू आर फीलिंग एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस। आपने वो कोट तो बहुत सुनी होगी दैट अ हेल्दी माइंड रिजाइड्स इन अ हेल्दी बॉडी, बट क्या आपने कभी किसी को बोलते हुए सुना है दैट अ हेल्दी बॉडी नीड्स अ हेल्दी माइंड टू वर्कआउट प्रॉपरली? आई नो ये काफी हार्ड एंड हार्श डिसीजन साउंड करता है कि सीधा जाके पेरेंट्स को बोलना कि मुझे साइकेट्रिस्ट को देखना है एंड आई नीड काउंसलिंग और समथिंग, बिकॉज या ऑफ कोर्स इट इज इंडिया, बट डेफिनेटली दैट इज अ हार्ड डिसीजन ऑन योर पार्ट एंड यू शुड चूज वट इज राइट फॉर यू। बट हार्ड से याद आया जहांगीर और डॉक्टर जग की एक और बात, दैट वाई इट इज सो इम्पॉर्टेंट और सो स्पेशल टू टेक हार्ड चॉइसेस ऑलवेज। मैंने पहले कहा था ना कि डॉक्टर जग की पहली एडवाइस काफी अंडररेटेड है, बट दिस सेकेंड एडवाइस इज कॉन्ट्रेरी टू दैट बिकॉज ये काफी ओवररेटेड टर्म है, दैट टफ वे इज ओनली द वे टू सक्सेस। आई मीन वाई दैट डज नॉट मेक सेंस, डज इट? रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोइम है ना द रोड नॉट टेकन, वो भी यही सिखाती है कि ऑलवेज द हार्ड वे इज नॉट ऑलवेज द करेक्ट वे। लाइक जो रास्ता बना हुआ है ना उस पर चलना बहुत आसान है और लगता है कि इतनी भीड़ है तो वो हार्ड वे होगा बट वही सही वे होगा, बट कई बार हम इजी एस्केप भी कर सकते हैं, शॉर्टकट्स ले सकते हैं। आई नो ऐसे कई इंस्टाग्राम कोट्स होंगे जो कहते होंगे दैट शॉर्टकट इज नॉट फॉर सक्सेसफुल पीपल, बट दैट टू इज अ लॉजिकल फैलेसी बिकॉज वट एवर द वे वर्क्स राइट फॉर यू इज द राइट वे एंड नॉट विच इज द टफेस्ट वे। एंड यू नो जिंदगी में ऐसी कई चॉइसेस आएंगी इन विच यू कैन बी वनरेबल टू, तुम इजी रास्ता भी तब चूज कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि हार्ड रास्ते पे चल के तुम्हें वो अचीवमेंट मिलेगी जो इजी में नहीं मिल सकती। बट पॉइंट हियर इज अगर जब तुम गिरोगे ना तो तुम्हें कोई उठाने वाला नहीं होगा, चाहे वो हार्ड रास्ता हो या फिर इजी रास्ता हो, तो तुम्हें देखना है कि तुम कितना झेल सकते हो, कितनी तुम्हारी कैपेसिटी है टू सर्वाइव हार्डशिप्स ऑफ लाइफ। इसीलिए द थर्ड एडवाइस वुड बी नेवर लुक डाउन अपॉन योर सेल्फ। कोई नहीं आएगा तुम्हें कॉन्फिडेंस देने, कोई नहीं आएगा तुम्हें सपोर्ट करने कि तू सही कर रहा है, अगर कोई होगा ना वो एक होगा हजारों में से जो आके तुम्हारे साथ खड़ा होगा, वरना सब तुम्हें ऊपर से देख रहे होंगे, तो इसीलिए ये सारा तुम्हारे ऊपर भार आ जाता है कि खुद को बेटर फील कराओ। मेरी एक फ्रेंड ने बहुत अच्छा बताया था कि दुनिया बहुत होगी तुम्हें बताने के लिए कि तुम बुरे हो ये हो, तुम्हारे फॉल्ट्स गिनाने के लिए बहुत आ जाएंगे, बट क्या तुम खुद के फॉल्ट्स को इम्प्रूव करके अपने गुड पॉइंट्स को अप्रिशिएट करोगे? देखो मैं तो इतना ही कहूंगा चाहे छोटा भाई होने के नाते या फिर बड़ा भाई होने के नाते, दैट बिल्ड पर्सनल हैबिट्स विच कुड हेल्प यू इन लॉन्ग रन। ऐसे सिस्टम बनाओ एंड स्टे हाइड्रेटेड सो दैट यू डू नॉट बर्न योर सेल्फ इन दिस रेस ऑफ कॉम्पिटिशन, क्योंकि कोई नहीं आएगा तुम्हें सपोर्ट करने के लिए। और अगर यहाँ तक वीडियो देख ली है ना तो प्लीज डू सब्सक्राइब, क्योंकि आगे जो मैं बताने वाला हूँ ना दैट विल डेफिनेटली ब्लू योर माइंड, क्योंकि वो होगी बेस्ट एडवाइस एंड ओ दैट काउंट्स एज सपोर्ट टू। तो कर दो ना यार, प्रूव मी रॉन्ग, मैं गलत होने से कहाँ डरता हूँ। So the value of this video or the biggest advice you can take out from this movie is
गिव इम्पोर्टेंस टू योर पेरेंट्स। और ये बात ना मैं इतना ज़्यादा इम्फोसिस देके इसलिए बता रहा हूँ ना क्योंकि कोई नहीं करता। मैंने जब देखा ना तो मुझे खुद रियलाइज हुआ कि ये चीज़ मैं भी नहीं करता। एंड इट इज़ वन ऑफ द क्रूशियल एलिमेंट ऑफ अ पर्सन, क्योंकि हम बचपन में सिखाया जाता है ना एक सिंपल फंडा यार, सिंपल समझो। देखो अभी ज्ञान की बात बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनना। जब तुम्हें लगता है ना कि मैं फेलियर हूँ या कुछ भी हूँ, मेरे साथ अच्छा नहीं हो पा रहा, तो सबसे बेसिक चीज़ एक करो, जो तुम्हारे पेरेंट्स की तरफ से बिल्कुल बेसिक हैबिट्स तुम्हारे अंदर कल्टिवेट की है ना, उन्हें कंसिडर कर लो। ये मत सोचो, रैशनैलिटी सब छोड़ दो, मेरी बात मानो, लॉजिकल रीजनिंग वगैरह सब छोड़ के जो बेसिक हैबिट्स होती हैं, बिल्कुल बेसिक लेवल पे चले जाओ। द गुड हैबिट्स योर पेरेंट्स गेव यू, यूज देम एंड एक्नॉलेज देम। और अगर तुमने ये हैबिट्स को कल्टिवेट कर लिया ना, तो तुम कल को इस लेवल पे तो पहुंच ही जाओगे कि एग्जाम को फोड़ सको। और यही इस मूवी की बेस्ट एडवाइस होगी। वी आउटग्रो फ्रेंड्स बट डेफिनेटली वी शुड नॉट आउटग्रो पेरेंट्स। पेरेंट्स हमारे सक्सेस में हमेशा साथ रहेंगे। जितनी बार मैंने कहा ना कोई नहीं सपोर्ट में आएगा, उन सबका एक एक्सेप्शन है, वो है पेरेंट्स। बट वेट, सुनो, इसको मैं कोट में ऐसे बोल सकता हूँ, वी मे हैव हेल्प इन द फॉर्म ऑफ समवन सपोर्टिंग अस, बट इन द एंड वी हैव टू लर्न टू पिक आवरसेल्व्स अप नो मैटर व्हाट। मैं खुद को ही सेल्फ डिपेंडेंट बनना पड़ेगा। आई नो बहुत अच्छा लगता है सुनने में कि पेरेंट्स मेरे साथ सपोर्ट में खड़े हैं हर वक्त मेरी हर मुश्किल की सिचुएशन में। बट बात सुनो, जब कल को पेरेंट्स का साया नहीं रहेगा ना, तुम खुद को ही करना पड़ेगा, तब क्या करोगे? इसीलिए स्टार्ट कल्टिवेटिंग दिस हैबिट ऑफ सेल्फ डिपेंडेंसी बट नॉट लेटिंग योर पेरेंट्स गो अवे फ्रॉम यू। सो समिंग अप दिस वीडियो, ऑल यू नीड इज कॉम्बिनेशन ऑफ गुड हैबिट्स एंड कल्टिवेशन ऑफ इंडिपेंडेंसी फ्रॉम अदर रिसोर्सेज। स्टॉप कंप्लेंटिंग अबाउट पीपल एंड स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर सेल्फ। एंड अगर किसी भी टाइम ये तुम वीडियो देख रहे हो, यू विल डेफिनेटली अचीव व्हाट यू वांटेड टू अचीव।